जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग स्विच चेंज करने वाले, जो चाबी चालू करके स्विच जो चालू रहता है ना अपना बाइक बुलेट का, वो स्विच कैसे चेंज करते हैं वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो पहले पुराना वाला स्विच निकल रहे हैं हम यहाँ पर, और इसकी जगह पर चालू बंद करने वाला नया वाला स्विच हम लगाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं अपना बाइक किस तरह से वो स्विच निकल रहा है। वो दोस्तों ये सॉकेट टू सॉकेट फिट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक ही वायर को काट के उसको इस वायर के साथ जॉइंट करना पड़ता है, क्योंकि चालू बंद करने का सिस्टम जो है उसमें एक वायर काटना पड़ता है। आप देख सकते हो नया वाला स्विच किस तरह से लग रहा है। वो देखिए दोस्तों, पूरा सॉकेट टू सॉकेट आ जाएगा, पूरा वायरिंग का काटने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए दोस्तों आपको स्विच लगाने के लिए आगे का ये लाइट का सिस्टम खोलना पड़ेगा। देखिए भाई साहब ने खोल दिया है, आप देख सकते हो किस तरह से इसको बाहर निकल रहा है, वो कितनी आसानी से बाहर निकल गया। इसमें से लैंप को अलग कर देंगे और साइड में रख देंगे, और ये उसका सॉकेट आ गया जिसमें सॉकेट से लगता है। आप देख सकते हो पुराना वाला स्विच को बाहर निकल रहा है भाई अपना। देखिए दोस्तों किस तरह से बाहर निकल रहा है वो। उसके बाद ये नया वाला स्विच उसमें लगा देगा, ये नया पुराना वाला निकला है दोस्तों, देख सकते हो किस तरह से है वो। और ये नया वाला भाई अपना उसमें लगा रहा है, पूरा सॉकेट टू सॉकेट ही अंदर फिट हो जाएगा। आप देख सकते हो कितनी आसानी से कर रहा है वो। अब इधर इस साइड है ना दोस्तों, जो वायर आता है उसको हल्का सा काट के फिर उसमें वो टेप लगा के फिट कर देगा, और बाद में आपका लाइट चालू हो जाएगा। आप देख सकते हो इस वायर ढूंढ रहा है भाई अपना, कौन सा वायर उसमें आएगा वो। ये वाला वायर को थोड़ा सा हल्का सा काट के उसमें से छेद करके फिर जो नया वाला स्विच लगाया है ना उसके साथ वो वायर को जॉइंट कर देगा, फिर आपका स्विच हो जाएगा चालू। देखिए दोस्तों ये वाला वायर को यहाँ से भाई काट देगा, फिर उसको जो नया वाला स्विच लगाया है ना उसके साथ इसको जॉइंट कर देगा। आप देख सकते हो कितनी बारीकी से काम कर रहा है अपना भाई वो। और अपने नया स्विच जो लगा है ना उसमें से येलो कलर का वायर ढूंढ के उसमें से हल्का सा छेद करके उसके साथ वो जो मेन वायर है वो उसके साथ जॉइंट कर देगा। आप देख सकते हो किस तरह से वो हल्का सा छेद कर रहा है उसमें पावर काटने के लिए। अब इसमें वो एक्स्ट्रा वायर लगा के थोड़ा सा और इसके साथ जॉइंट कर देगा। आप देख सकते हो किस तरह से वो वायर को जॉइंट कर रहा है वो, पीले वाले वायर के साथ वो जॉइंट कर दिया, मतलब अपना स्विच अब रेडी हो गया चालू बंद होने के लिए। जो मेन वायर का जो दो एक में से दो टुकड़ा किया था ना उसके साथ दो अलग अलग छोटा वाला वायर लगा के उसको स्विच के साथ लगा देगा, और उसमें टेप लगा के बिल्कुल रेडी कर देगा।
आप देख सकते हो किस तरह से वाईफाई लगा रहा है वो। देखिए अब स्विच चालू हो गया है, अब ये स्विच से चालू बंद हो रहा है, आप देख सकते हो किस तरह से काम कर रहा है वो। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।